अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इज माय थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1। इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ENIAC, EDSEC एंड IBM PC। ENIAC, इम्प्रूवमेंट्स इन द डिज़ाइन ऑफ मार्क 1 लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनदर कंप्यूटर। मार्क 1 के डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट आने के बाद दूसरे कंप्यूटर को डेवलप किया गया। दिस वॉज नेम्ड एज ENIAC। ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC वॉज डिजाइन बाई एकर्ट एंड माउचले इन 1946। एकर्ट एंड माउचले ने 1946 में ENIAC को डिजाइन किया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एग्जैक्ट। अ फ्यू इयर्स लेटर जॉन वॉन न्यूमैन सजेस्टेड दैट बिसाइड स्टोरिंग डाटा एंड कैलकुलेटिंग रिजल्ट्स, अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो स्टोर प्रोग्राम्स। कुछ सालों बाद जॉन वॉन न्यूमैन ने सजेस्ट किया कि कंप्यूटर सिर्फ डाटा स्टोर करने और रिजल्ट कैलकुलेट करने के अलावा भी प्रोग्राम स्टोर कर सकता है। सो ENIAC वॉज डेवेलप्ड, इसलिए ENIAC को डेवेलप किया गया। दिस वॉज स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटा भी था, एंड फास्टर देन ENIAC, और ENIAC से ये फास्ट भी काम करता था। ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वॉज फर्स्ट यूज इन द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंडन, और ये फर्स्ट टाइम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंडन में यूज किया गया। IBM PC। इन 1981 विलियम सी लॉय डेवलप्ड अ कंप्यूटर फॉर IBM। IBM stand for International Business Machine. This was called as the personal computer. इसे हम personal computer भी कहते हैं और PC भी कहते हैं. This has become the most popular type of computer used today. और ये computer जैसे कि आजकल हम use करते हैं, जो size में छोटे भी होते हैं और fast भी काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं students? Personal computer और PC. This is your homework task. Draw the picture of IBM PC on your neat copy and learn and write this short answer to the following questions. Question number 6, what are the limitations of ENIAC? Question number 7, who developed the personal computer? Long question. Learn and write this question on your neat copy. Question number 2, write a note on ENIAC. I hope this video will be helpful to understand the concept of history of computer. Thank you. Stay home and stay safe. Allah Hafiz.